हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज, और बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ क्योंकि आजकल मैं हूँ गांव में। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि गांव में सिग्नल की वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो फिर ब्लॉग बनाती भी नहीं हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो अभी ना सुबह होने वाली है, हमारे घर के साइड को तो थोड़ी थोड़ी धूप लग भी रही है, लेकिन गाँव में अभी धूप नहीं लगी हुई है। और अभी ना मैंने थोड़े से ये कपड़े वगैरह यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये देखिए थोड़े से धूप लगा लेते हैं इनको। उधर भी थोड़े से निकाले हुए हैं, तो अभी एक सांस में मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, आजकल ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ मैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ चल के कि बेबी और पापा क्या कर रहे हैं। हम आज तीन हैं घर पर, मम्मी जी गए शादी में, वो भी अपने काम से निकल गए, तो हम तीन हैं घर पर आज। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना वीडियो को। तो अभी मिलते हैं आपसे दिन भर में। ये पापा जी यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, देखिए, और बेबी वहाँ पर डांस कर रही है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो बेबी ने अब जैकेट भी पहन लिया है। और अभी देखिए हल्की हल्की सी धूप भी लग रही है, गाँव में अभी धूप नहीं लगी हुई है। और ये देखिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं पापा जी? सरेरा। तो अभी इसकी मंडाई कर रहे हैं पापा जी, देखिए इस तरह से। अभी इसको ना अभी थोड़ा ये हरा होता है, तो देखिए इस तरह के इसके बीज होते हैं, तो इसके देखिए लड्डू बनते हैं, जो सरेरे के लड्डू होते हैं वो बनते हैं। अभी हरा है ये, जब सूख जाएगा तो फिर भून के इसके लड्डू बनते हैं, बहुत ही टेस्टी गुड़ वाले, सर्दियों में खाते हैं। देखिए गाइज, हमने अपने चौड़ी के ऊपर कितनी सारी मक्खियाँ रखी हुई है। तो पापा ने एक क्लोज कर दिया है और इसको देंगे गाय को। और यहाँ देखिए कितने सारे खीरे हैं, ये बीज के लिए रखे अब, क्योंकि खीरे का सीजन हो गया ख़त्म। गाइज अभी ना बहुत अच्छी वाली धूप लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो नहाने के बाद ना मतलब धूप सेकने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं पहले जल्दी जल्दी से फ्रेश हो गई। तो अभी लंच बनाना रह गया है, लंच से पहले मैं धोऊंगी कपड़े थोड़े से, फिर मैं वो धो लेती हूँ। तब तक देखती हूँ, बेबी भी यहाँ पर भी डांस कर रही है, एक गाय आ गई, दो बच्चियाँ भी रह गई है अभी आने, पता नहीं उनको धूप नहीं लग रही होगी, कहाँ चली गई, खेत में मिल भी नहीं रही है। तो चलिए अभी मैं पहले कपड़े धोती हूँ फटाफट से, फिर उनको भी ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद लंच भी बनाना है। पापा जी आ जाएंगे क्योंकि उनको भूख लग रही होगी, वो बकरी लेके गए थे। तो चलिए करते हैं अभी आगे का काम, अपने बाल भी सूखे करने पड़ेंगे थोड़े। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया वाली धूप लग रही है। सारे कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, पानी भी भर चुका है, सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं। तो अभी चलते हैं, लंच बनाते हैं। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो अभी लंच भी हो गया है और पापा जी और बेबी अभी टीवी देख रहे हैं, मैं सोने आ गई। मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज मम्मी जी भी घर पे नहीं थे, तो सारा काम पड़ गया था, मतलब सब कुछ, कपड़े धोना, खाना बनाना, इतने से भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल। तो अभी मैं करती हूँ रेस्ट, फिर एक दो घंटे रेस्ट करने के बाद उठते हैं, फिर देखती हूँ मैं क्या करना है। तो चलिए अभी रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हो गई है शाम, तो अभी पीने चाय, बेबी और पापा भी आ गए हैं नीचे से ऊपर, और अभी ना देखिए सनसेट होने वाला है, और हमारे घर की तरफ को आ रही सीधी धूप, गांव में तो जा भी चुकी है। चलो आज अभी चाय पीते हैं। तो गाइस बाहर ना काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो हम यहाँ अंदर बैठ के पी रहे हैं चाय, क्योंकि ठंडा है अभी। ये देखिए बेबी, बेबी आपने ये क्यों रखा लगा के, गर्मी नहीं हो रही आपको? है खोल बेबी, पीछे कर इसको, शाम को जैसे लगाई जब धूप चली जाएगी। अभी बताओ पूरे चल अंदर भी लगाया और भी गर्मी हो गई इसको। हाँ ऐसा रखो, अभी अभी ऐसा रखो ना, जब शाम हाँ ऐसा हो गया, ठंडा हो गया। खाओ खाओ चल बेबी, हमा फोन किया आएगा चलो चाय पी लेते हैं अभी, अभी उठी हूँ मैं भी। गाइस देखिए कितनी ज्यादा धूप लग रही है हमारे घर के साइड को शाम के टाइम पे, और गांव में तो पूरी धूप जा चुकी है।
और अभी ना इस टाइम पे यहाँ पे गर्मी हो रही है, वैसे तो अब ठंड हो गई है। और मैं सब्जी ला रही थी रात के लिए, डिनर के लिए। देखती हूँ क्या लाना है, फ्रांस बीन देखती हूँ। तो चलिए अभी अभी देखिए पापा सुबह कर रहे थे यहाँ पर सरारे की मंडाई, और अभी कर रहे हैं माश की। तो ये हमारे लोकल माश होते हैं, दाल मखनी तो सबने खाई होगी। तो ये वही दाल मखनी है जो हमारे लोकल माश होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते खाने में। इसके बीच में तो मिल भी नहीं रहे, कहाँ गए, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा उड़े। ये देखिए ये है माश, तो अभी बहुत ज़्यादा इसकी सफाई करनी रह गई है, तो पापा जी करेंगे अभी मंडाई के बाद, फिर जाके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से लगे हुए कुछ एक फ्रांस बीन सब्जी के लिए थोड़े फ्रेश फ्रेश से निकालने पड़ेंगे, थोड़े पतले पतले से छांट छांट के, तो मैं निकाल लेती हूँ आराम से। भी हो गई है फ्रांस बीन की सब्जी बनाना कैंसिल, क्योंकि ना सारे ही फ्रांस बीन पक गए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो गए हैं। इस तरह के दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे तो ठीक है लेकिन इसके अंदर देखिए ऐसे बीज तैयार हो गए हैं, तो इसकी सब्जी नहीं बन पाएगी। तो इसको कैंसिल करते हैं, कोई और सब्जी देखते हैं। तो अभी चलती हूँ वापस। आइए अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक नए टाइप की सब्जी, किस किस ने खाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। तो आजकल मेरे गांव में ना मीठे करेले की सब्जी होती है, हम किसे कहते हैं मीठे करेले, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये तो देखिए ये जो लगी हुई है झाड़ियाँ सी, इसमें इस तरह के, ये देखिए इनको हम मीठे करेले कहते हैं, बाकी पता नहीं इनको क्या कहते होंगे, वो भी बता देना कमेंट में मुझे, मुझे नहीं पता। तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, तो बीच बीच में कम कम से लगे हुए हैं, तो इनको ही ढूंढ के शाम के लिए सब्जी बनाती हूँ। देखिए देखिए यहाँ से लगे हुए हैं बहुत सारे, अभी फूल भी लग रहे हैं, तो और भी ज़्यादा लगेंगे धीरे धीरे। तो अभी देखिए मैंने निकाल दिए है सारे करेले, तो रात के डिनर की तैयारी हो चुकी है और सनसेट भी हो रहा है। तो अब बताना मुझे कि किस किस ने खाई है इसकी सब्जी। अभी ना इसको ऐसे बीच से ऐसे फाड़ के, ऐसे बीच से इसको फाड़ के ना इसके अंदर वाले जो बीज होते हैं उनको निकालना पड़ता है। तो अभी इसको ऐसे फाड़ के इसके अंदर देखिए इस तरह से बीज होते हैं, इनको निकालना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा पके होते हैं तो वो तो ब्लैक कलर के बीज होते हैं, लेकिन ये अभी फ्रेश है, ताज़े ताज़े, तो इसके बीज भी अभी वाइट ही है। बस थोड़ा सा रह गया सनसेट होने में। गाइस अभी मैं सब्जी काटने के लिए यहाँ पे रख दी है, और उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो रही है, मुझे लगता है ज़्यादा थोड़ा झुक के काम करूँगी ना तो ज़्यादा हो रही है, तो इस हाल में तो मैं दवाई भी नहीं खा सकती हूँ, तो इतनी यहाँ पर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। और चलिए पहले पानी पी लेती हूँ, और अभी बस थोड़ी देर में सनसेट भी हो ही रहा है, फिर सब्जी काटूँगी, तब तक वो भी आ जाएंगे। तो गाइस अभी ये भी आ गए हैं, और ये देखिए सब्जी में तड़का भी लग चुका है। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। ये हमारी बेबी है, बेबी भी करा लो, बेबी ने आज पूरे दिन हेलो नहीं किया है। हेलो, हेलो गाइस, हेलो, आगे बढ़ आगे बढ़, हेलो गाइस। चलो फटाफट से आटा गूंदो, अभी हम जलाएंगे तंदूर क्योंकि ठंड हो रही है। देखे, इनको कहते हैं तितने, तितने से तंदूर जलाएंगे इधर। अभी अभी जल रही आग,